गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग मानचित्र प्रक्षेप, यह क्या है, तो एनसीईआरटी क्लास 11 का जो प्रायोगिक ज्योग्राफी है उसका यह पार्ट है 4 है, यानी इससे पहले हम लोग इतना पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में। अगर उसको देखना चाहिए तो हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए, और नहीं तो यह वीडियो जब आपको देखने के सामने आएगा तो आप उसके कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका लिंक उपलब्ध होगा। इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 यानी जो चैप्टर 4 है, इसमें हम लोग आधा पढ़ा चुके हैं, जो शेष बचा है वह अभी पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग मानचित्र प्रक्षेप यानी मैप की बात में हमारे में बात सिंपल पढ़ाई है। तो मैप के बारे में हम लोग मानचित्र प्रक्षेप, इसकी कमियाँ, इसका क्या क्या खूबियाँ है, पृथ्वी कैसा है, तो पृथ्वी गोल है, लेकिन मानचित्र कैसा बनता है, तो वह तो एक पेज पर आयताकार रूप में बनता है। क्या किसी गोले चीज को आप आयताकार रूप में हूबहू बना सकते हो? नहीं बनाओगे। ऐसा होगा तो इसमें कुछ भी संगतियाँ आ जाती है। इसके कारण इसी सब के बारे में कहाँ कहाँ सावधान क्या क्या इसका समाधान किया जाएगा, कैसे समाधान हो सकता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे कि मानचित्र की कुछ प्रमुख मानचित्र जिनका इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ देखिए, एक गोला मानचित्र है, गोल, और अगर इसको खोलेंगे तो सही मामले में कैसा होगा, ऐसा मानचित्र बनाना चाहिए। लेकिन इस तरह से अगर मानचित्र बनेगा तो कल्पना कीजिए, रसिया जो सबसे बड़ा देश है और उसका ऊपरी सीमा यानी उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र में है, तो उसका उत्तरी सीमा कैसे होगा, जबकि मैप में हम लोग देखते हैं उसका उत्तरी सीमा इस तरह से ऐसा है, इतना विशाल है, लेकिन हकीकत में वह ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं तो इसके लिए क्या होगा, शंकु मापनी का या मानचित्र का इस्तेमाल किया जाएगा। शंकु कैसा होता है वो तो जानते ही हैं कि शंकु इस तरह का होता है, लेकिन दुख की बात है कि शंकु में क्या होगा, तो पूरा मैप तो बन नहीं सकता है। पूरा मैप कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि शंकु तो त्रिभुजाकार होता है, तो अतः इसे हम एक बार में ग्लोब के आधे भाग का ही बना सकते हैं। इसके लिए हमको दो शंकु मापी चाहिए, मापनी, लेकिन दुख की बात है दो शंकु का इस्तेमाल करके अगर दो मैप बनाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएगा, विषुवत रेखा बीच में कैसा होगा, इस तरह से कटा फटा सामने आएगा, तो यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। यहाँ देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, कुछ चुने हुए मानचित्र प्रक्षेप। तो शुरू करते हैं, एक मानक अक्षांश रेखा वाला शंकु प्रक्षेप। सबसे पहले तो सबसे आसान देखने में यही लगता है कि चलो इसी से ही बना लिया जाए, लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है, इसकी भी खामियां हैं। तो हम लोग देखेंगे इसकी क्या क्या खामियां हैं। शंकु प्रक्षेप की रचना ग्लोब के किसी एक अक्षांश समानांतर को स्पर्श करते हुए एक विकासीय शंकु पर यमोत्तर एवं समानांतर रेखाओं के जाल की छाया को प्रक्षेपित करके की जा सकती है। इस अक्षांश समानांतर को मानक अक्षांश समानांतर कहते हैं। ऐसे में यदि शंकु ग्लोब के केंद्र को हम लोग मान लें, सिंपल हम बताए थे कि कैसा होगा पृथ्वी, तो पृथ्वी तो आपका ऐसा है, और शंकु कैसा है आपका, तो देखिए शंकु तो इस तरह का होगा, शंकु ऐसा हो गया इस टाइप का। तो हमको पृथ्वी का ग्लोब का कैसा बनेगा मैप इस पर, तो शंकु के द्वारा आधे क्षेत्र का ही तो मैप सही सही बन सकता है, पूरा का तो बनेगा नहीं। तो यही इसमें कहने की बात है, यानी जो 0 डिग्री है इस चीज़ को काट कर दो भाग में इसका मैप बनाएंगे हम लोग, तो यह समझने में बहुत समस्याएं इसे उत्पन्न हो सकती हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण, यह उदाहरण हम लोग के लिए उतना काम की बात तो है नहीं, फिर भी जो समझने वाला है वह समझ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 10 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री पूर्व से 130 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच घिरे हुए एक क्षेत्र के लिए एक मानक समानांतर के साथ शंकु प्रक्षेप बनाएं, और मापने का स्केल क्या दिया हुआ है, 1:1 इतना, यानी पृथ्वी का जो इतना एरिया है 25,000 वह क्या होगा, तो आपका जो मैप होगा उसके 1 यूनिट के बराबर होगा। तो यह कैसे बनेगा, सबसे पहली बात कि हम लोग 10 डिग्री से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह कहाँ होगा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी आपका कैसा है, इस तरह का पृथ्वी है, जा कहाँ गया,
यह पृथ्वी हो गया और यह क्या है, यह 0 डिग्री है। इसके उत्तर यानी नॉर्थ कहाँ है, तो नॉर्थ ऊपर में है और साउथ नीचे में है। तो हम लोग को क्या बनाना था, 10 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश पहले। तो अक्षांश क्या है, तो अक्षांश जो यह 0 डिग्री के समानांतर ऊपर नॉर्थ या नीचे साउथ में जो गया है वही समानांतर रेखाएं हैं। तो 10 डिग्री या 0, तो यह आपका हो गया 10 डिग्री और 70 डिग्री यहाँ तक और ये तो 90 डिग्री है। तो इसके ही मध्य का जो क्षेत्र है और 10 डिग्री पूर्व, तो 0 डिग्री यह ग्रीनविच समय से गुजरने वाला प्राइम मेरिडियन है जो इस तरह से जाता है, क्लियर है। यहाँ से लेकर 70 डिग्री, तो 70 डिग्री क्या है, 85 डिग्री तो भारत के इलाहाबाद के नैनी से होकर जाने वाली यह मुतर रेखाएँ हैं, तो उससे पहले की रेखा है, तो यह हो इलाका हो गया। तो हम लोग को मैप कहाँ बनाना है, तो मैप आपको इस क्षेत्र का मैप बनाना है, घिरे हुए एक क्षेत्र का मानक समानांतर के साथ शंकु प्रक्षेप बनाइए। तो यही मैप बनाएगा, तो इसमें क्या क्या किया जाएगा वो सब प्रक्रिया है। तो इसमें पृथ्वी की घटी हुई त्रिज्या, तो पृथ्वी का हम लोग का टोटल इकाई कितना है पृथ्वी का यहाँ, तो इतना, और पृथ्वी का क्षेत्र पूरा तो यह 64 समथिंग है और हमको लेना कितना है, तो ये 25, तो इसे इसको भाग दे दीजिए, जो बच गया वो 2.56 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको बनाने का यह सब तरीका दिया हुआ होगा, आराम से रोकर पढ़िएगा और एक कॉपी पेन लेकर बनाइएगा। लेकिन इसके गुण क्या क्या हैं यह मैटर है। सभी अक्षांशों के समानांतर वृत्तों के चाप होते हैं तथा उनके बीच की दूरी इसमें बराबर होगी, गलती होने की गुंजाइश कम है। सभी यमोत्तर रेखाएं सीधी होती हैं, यानी कौन, तो देशांतर रेखाओं की बात हो रही है जो ध्रुवों पर मिल जाती है। यमोत्तर समानांतर को समकोण पर काटती है, यानी यह क्या होगा, 0 डिग्री समानांतर रेखा, यमोत्तर यह हो गया, ऐसा कहाँ था, ये सब 90 डिग्री पर काट रही है। सभी यमोत्तर की मापनी सही होती है, अर्थात सभी यमोत्तर पर सारी दुनिया सही होती है। एक वृत्त का चाप ध्रुव को दर्शाता है, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग चाप रखेंगे तो क्या होगा, इस तरह से बनाएंगे, तो जो चाप केंद्र है यह ध्रुव को दर्शाएगा और यह इसका 0 डिग्री हो गया पृथ्वी का। यह प्रक्षेप न तो सम क्षेत्र है तथा न ही यथाकृतिक प्रदेश है। आगे देखिए, मतलब कि इसी तरह का इसमें बनेगा मैप है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे यह विश्व मानचित्र के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जिस गोलार्ध में मानक अक्षांश वृत्त चुना जाता है उसके विपरीत गोलार्ध के में चरम विकृति हो जाएगी। हम लोग इसका बनाना चाहेंगे उधर से बना लेंगे, लेकिन उसका अपोजिट साइड का क्या, जिस गोलार्ध में यह बनाया जाता है उसके लिए भी यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसमें भी ध्रुव पर तथा विषुवत वृत्त के पास विकृति होने के कारण इसका उपयोग बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए अनुपयुक्त है, यानी इसका उपयोग छोटे मोटे क्षेत्रों में किया जा सकता है। उपयोग सामान्यतः इस प्रक्षेप का उपयोग मध्य अक्षांश क्षेत्रों के सीमित अक्षांशीय तथा बड़े देशांतरीय विस्तार के मानचित्र के लिए किया जा सकता है, यानी कि जो बड़ा विशाल भूभाग है उसके लिए तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं छोटा क्षेत्र को बनाना पड़ जाए तो न बना पाएंगे। इस प्रक्षेप के द्वारा मानक अक्षांश के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में लंबी संकीर्ण पट्टी को शुद्ध रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी इस प्रक्षेप के साथ क्या, तो मानक अक्षांश एकदम फैक्ट अक्षांश है, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाली बात है, एकदम फैक्ट के साथ पूरब से लेकर, तो पूरब किधर होगा, इधर पूरब है और इधर, सॉरी ये तो वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, यानी पूरब से लेकर पश्चिम में लंबी संकीर्ण पतली पट्टी को शुद्ध रूप में दिखाया जा सकता है। मानक अक्षांशों की दिशा का उपयोग रेल लाइनों, सड़कों, संकीर्ण नदी घाटियों तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को प्रदर्शित करने में किया जाता है, यानी इन लोगों का उपयोग इतना जगह पर होता है, कहाँ कहाँ, रेल लाइन, सड़क, संकीर्ण नदी घाटियों तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को प्रदर्शित करने में किया जाता है। यह प्रक्षेप कैनेडियन प्रशांत रेल लाइन्स, जो अमेरिका उत्तर में कौन देश है, कनाडा, जो कनाडा के अटलांटिक तट को लेकर पश्चिम में वैंकूवर यानी फ्रांस प्रशांत महासागर के तट को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन, जो मास्को से लेकर रूस के पूर्वी क्षेत्र व्लादिवोस्टोक को कनेक्ट करता है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अक्षांशीय सीमा यानी
मजाक झांसी सीमा कौन है तो 49 पैरेलल लाइन नर्मदा घाटी को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इतना सही हो गया। तो हम लोग क्या देखें, शंकु मापचित्र के बारे में थोड़ा जान लिए। अब हम लोग देखेंगे बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप। यह क्या होगा, बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप को लैम्बर्ट के प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। इसे ग्लोब के विषुवतीय वृत्त पर सटे बेलन पर पड़ने वाली समानांतर किरणों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। समानांतर एवं यमोत्तर रेखाओं का प्रक्षेपण सीधी रेखा के रूप में तथा एक दूसरे पर समकोण पर काटते हुए प्राप्त किया जाता है। समानांतर रेखा क्या, जो 0 डिग्री के समानांतर चले इस तरह से, यानी कर्क रेखा मकर रेखा क्या है, सब समानांतर रेखा है। यमोत्तर रेखा यानी 0 डिग्री कौन है तो ग्रीनविच मीन टाइम। भारत का कौन है तो 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। जो यमोत्तर है यह नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करता है और नॉर्थ और साउथ पोल ये दोनों पॉइंट हो जाते हैं। जबकि समानांतर रेखा 0 डिग्री के समानांतर है और यह पूर्ण वृत्त है और यह 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ हो जाकर यह पॉइंट हो जाते हैं। जबकि यमोत्तर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ हो जाकर आपस में मिल जाते हैं। सारे यमोत्तर की लंबाई समान है लेकिन जो सारे समानांतर रेखाएं हैं उसमें सबसे बड़ा कौन है तो 0 डिग्री है और बाकी धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। ध्रुवों को विषुवत वृत्त के समान एवं समानांतर दिखाया जाता है, इसलिए उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्रों के आकार बहुत अधिक इसमें विकृत हो जाएंगे। यानी बेलनाकार में क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी कैसा है, कुछ इस तरह से है, बीच में उसका पेट फूला हुआ है ऊपर और नीचे पतला है। अब अगर हम लोग कोई मैप बनाएं जो सिलेंड्रिकल हो जाए, यह गोल होकर लंबा हो जाए, तो क्या यह परफेक्ट है, नहीं है, यही बात इसमें समस्या आएगी। विश्व का एक बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप बनाइए जिसमें मानचित्र का प्रतिनिधित्व भिन्न यह है, यानी कि जो मानचित्र बनाएंगे उसका 1 यूनिट बराबर यह 30 इतना 0 0 होगा और अक्षांशीय एवं देशांतरीय मध्यांतर कितना होगा, 15 डिग्री का अंतर होगा। तो ग्लोब का अर्धव्यास तो 64 से इसको भाग दे दीजिए और जो बच गया वो 2.1 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, तो ग्लोब का इसमें अर्धव्यास होगा आपके मैप का। और विषुवत रेखा की लंबाई तो यह 13.2 सेंटीमीटर होगा इसके हिसाब से और विषुवत वृत्त के साथ मध्यांतर तो 13.2 सेंटीमीटर है। और आगे देख लेते हैं, ये सब बनाने का तरीका है, ये बना लीजिएगा। और हम लोग को काम क्या है, यहाँ गुण और इसका सीमा उपयोग देखिए। तो सभी समानांतर एवं यमोत्तर सीधी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ध्रुवीय समानांतर भी विषुवत वृत्त के बराबर ही होता है, जहाँ हम लोग जानते हैं यह 0 डिग्री है और 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ क्या होगा तो पॉइंट है, लेकिन इसमें यह भी इसी तरह का होगा, तो क्या यह परफेक्ट है। मापने केवल विषुवतीय वृत्त के पास ही सही होगा, तो इस आधार पर 0 डिग्री के आसपास ही तो सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा। जैसे प्राचीन काल में यहाँ के जो खगोलविद हैं वो जानते थे, या जो अरब का इन्वेजन हुआ वो श्रीलंका पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग जानते थे कि उसका तो शुरुआत भारत से हुआ है, जब भारत हिंदुस्तान इतना बड़ा है तो श्रीलंका कितना बड़ा होगा, इसलिए कोई कभी उधर गया ही नहीं। लेकिन दुख की बात है कि वह तो भारत के समान एक नीचे लोटे से भी छोटा है। इसकी सीमा, इसमें ध्रुव की ओर विकृति बढ़ती जाती है, यह प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं है, यानी फैक्ट नहीं बताएगा। क्षेत्र की समानता को बनाए रखने के लिए आकार में विकृति लानी पड़ती है, यानी देखने में यह सही लगेगा लेकिन अंदर से तो यह गलत हो जाएगा। इसका उपयोग, यह प्रक्षेप 45 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच के लिए क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी यह 0 डिग्री तो 45 डिग्री नॉर्थ से यहाँ तक चलते हैं और 45 डिग्री साउथ यहाँ तक, इसके बीच का मैप इसे सही सही बनाया जा सकता है। इसका उपयोग तो देख लिए, यहाँ देखिए प्रक्षेप 45 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच के क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह उष्णकटिबंधीय फसलों जैसे चावल, चाय, कॉफी, रबर तथा गन्ना पैदा करने वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए भी अधिक उपयुक्त है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये सारे क्षेत्र कहाँ हैं, गर्म क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल क्षेत्र में इन लोगों की खेती होती है, अतः यह 45 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री साउथ के तो मध्य में ही स्थित है, अतः इन क्षेत्रों को दर्शाया इसे आसानी से जा सकता है। अब मर्केटर प्रक्षेप, इसका एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। सन 1569 में एक डच मानचित्रकार, क्या नाम था इनका, जेराडर्स मर्केटर ने इस प्रक्षेप की रचना की।
यह प्रक्षेप एक गणितीय सूत्र पर आधारित है, इसलिए यह एक यथाकृतिक प्रक्षेप है जिसमें आकृति को सही बनाए रखा जाता है। यह प्रक्षेप, इस प्रक्षेप में अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है, यानी अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वह ध्रुव पर जाएंगे तो बढ़ाते चले जाते हैं। बेली प्रक्षेप की तरह इसमें भी समानांतर और यामोत्तर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर करते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात हो रही है। सीधी रेखा के द्वारा शुद्ध दिशा को प्रदर्शित करना इसकी विशेषता है। इस प्रक्षेप पर किसी भी दो बिंदु को जोड़ने वाली सीधी रेखा एक नियत दिक्पाती को दिक स्थिति को प्रदर्शित करती है, जिसे रम्ब रेखा या लेक्सोड्रोम कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, सीधा नाम ऐसे नहीं जाएगा, वह थोड़ा सा उसका झुकाव होगा, इस तरह का बनेगा। विश्व मानचित्र के लिए एक अनुपात इतना की मापनी बनाइए और 15 डिग्री के मध्यांतर पर एक मर्केटर का प्रक्षेप खींचिए। तो ये सब बना लीजिएगा। आगे देखिए रचना विधि, ये सब है, यानी विषुवत वृत्त की लंबाई का जो अंतराल है बटा 360 डिग्री, तो उसमें क्या होगा, तो आपका 15 डिग्री बराबर समझ जाएंगे कितना होता है। 15 डिग्री अक्षांश का दूरी कितना होता है, 265 गुना एक यानी 265, इससे पहले पॉइंट लगा दीजिए इंचों का, 30 का इसका डबल नहीं होना चाहिए, ये 30 बारह डिग्री बराबर 549 45 881 60 75, ये सब याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का मर्केटर प्रक्षेप बनाया जाता है, यानी कि यह एक तरह से क्या है, तो यह मैट की तरह जाल है। इसमें यह ये सब क्या है, तो अक्षांश रेखाएं होगी आपका और यह सब देशांतर रेखाएं हैं। यहाँ देखिए 0 डिग्री कहाँ गया आपका, यह 0 डिग्री और 15 डिग्री के मध्य दूरी कम है, और यहाँ देखिए 15 डिग्री से 30 डिग्री में थोड़ा अधिक, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75 इतना अधिक बढ़ता चला गया, यही पेट इसका बढ़ा रहा है। तभी तो क्या होगा, तब पृथ्वी का मैप इसके हिसाब से बनेगा, तो कैसा होगा, इस तरह से हो जाएगा पृथ्वी का मैप, यानी बीच में, और मान ले इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो बीच में यह मोटा हो जाएगा। इसके गुण, इस प्रक्षेप में समानांतर एवं यमोत्तर दोनों सीधी रेखाएं होती हैं। समानांतर एवं यमोत्तर क्या होगा, तो दोनों सीधी रेखाएं होंगी तथा वे एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी। सभी समानांतरों की लंबाई समान तथा विषुवत वृत्त की लंबाई के बराबर होगी। सभी देशांतरों की लंबाई एवं उनके मध्य की दूरी समान होती, लेकिन ग्लोब के यमोत्तर की अपेक्षा इनकी लंबाई अधिक होगी। अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। विषुवत वृत्त पर मापनी शुद्ध होती है, क्योंकि इस प्रक्षेप में विषुवत वृत्त की लंबाई ग्लोब पर विषुवत वृत्त की लंबाई के बराबर होती है, लेकिन अन्य अक्षांश समानांतरों की लंबाई ग्लोब पर स्थित अक्षांशों की अपेक्षा अधिक होती है। उदाहरण के लिए इस प्रक्षेप में 30 डिग्री अक्षांश समानांतर ग्लोब पर संबंधित अक्षांश से क्या होगा, लगभग 1.15 गुना बड़ा है, यानी इस पर सही कोण रहेगा, तो सिर्फ 0 डिग्री का जो विषुवतीय रेखा है वह सही है, लेकिन बाकी सब अपने जो मूल आकार है उसे बड़े महसूस यानी दिखाई देंगे। इस पर क्षेत्रों की वास्तविक आकृति प्रदर्शित होती है, लेकिन उच्च अक्षांशीय यानी उच्च अक्षांशीय मतलब कि हाई लेटिट्यूड की बात हो रही है, मतलब 30 डिग्री यानी 0 डिग्री निम्न हो गया और उससे ऊपर जाते जाइए 90 डिग्री तो सबसे हाई होता है। छोटे देशों का आकार विषुवत वृत्त के पास संरक्षित रहता है, लेकिन ध्रुवों की ओर वह बड़ा दिखाई देता है। जैसे भारत विषुवत रेखा के नज़दीक है और यूरोप विषुवत रेखा से कितना दूर है, उसका मैप कितना बड़ा रहता है, भारत का मैप छोटा, लेकिन जब क्षेत्रफल मिलाइएगा तो भारत का क्षेत्रफल है वहाँ कई देशों से बड़ा महसूस होता है। यह दिगंशीय प्रक्षेप है, क्या है यह, तो दिगंशीय प्रक्षेप है, और यह प्रक्षेप यथाकृतिक है क्योंकि यह मोतर का सहारे किसी एक बिंदु पर मापनी अक्षांश पर की मापनी के बराबर होती है, यानी कि इसके हिसाब से देशांतर और अक्षांश लगभग बराबर बताए जाते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे यमोत्तर एवं यानी देशांतर रेखाएं अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं के सहारे मापनी का विस्तार उच्च अक्षांशों पर तीव्रता से बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्रुव के निकटवर्ती देशों का आकार उनके वास्तविक आकार से अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए ग्रीनलैंड का आकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर हो जाता है, जबकि यह अमेरिका का 1/10 भाग है। इस प्रक्षेप में ध्रुवों को प्रदर्शित नहीं किया जाता, क्योंकि 90 डिग्री अक्षांश समानांतर एवं यमोत्तर रेखाएं
अनंत हो जाती है, इसलिए इसमें पोल को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। मार्केटर प्रक्षेप का उपयोग कहाँ होगा? यह विश्व के मानचित्र के लिए बहुत उपयोगी है तथा एटलस मानचित्र को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह समुद्र एवं वायु मार्गों पर नौ संचलन के लिए बहुत उपयोगी है। अपवाह प्रतिरूपों यानी ड्रेनेज सिस्टम, समुद्री धाराओं, तापमान, पवनों एवं उनकी दिशाओं, पूरे विश्व में वर्षा का वितरण इत्यादि को मानचित्र पर दर्शाने के लिए इसका उपयुक्त होता है। यानी हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे अधिक उपयुक्त कौन है? तो मर्केटर प्रक्षेप पर। और सबसे कमजोर यानी सबसे कम उपयुक्त कौन है? तो उसका नाम क्या है? शंकु मापनी। लेकिन सबसे परफेक्ट कौन बनेगा? तो शंकु माप है वह सही बनेगा, और जो मर्केटर प्रक्षेप है या जो इससे पहले बेलनाकार वाला था वह सबसे उसमें डिमेरिट है। और इसमें भी प्रॉब्लम है, तो जानिए इसका क्या लिमिटेशन है। आगे देखिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, मानचित्र प्रक्षेप जो विश्व के मानचित्र के लिए न्यूनतम उपयोगी है, तो सबसे कम उपयोगी कौन है? तो उसका नाम है शंकु मापनी। एक मानचित्र प्रक्षेप जो न तो समक्षेत्र हो एवं न ही शुद्ध आकार वाला हो तथा जिसकी दिशा भी शुद्ध न हो, यानी न ही बराबर भी न है, शुद्ध भी न है और उसकी दिशा भी शुद्ध नहीं है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यही, क्या नाम है? बेलनी माप, बेलनी प्रक्षेप। एक मानचित्र प्रक्षेप जिसमें दिशा एवं आकृति शुद्ध है लेकिन ध्रुवों की ओर यह बहुत अधिक विकृत हो जाता है, उसका नाम? तो मर्केटर प्रक्षेप की बात हो रही है। जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोब के मध्य रखा जाता है तब प्राप्त प्रक्षेप को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है नोमानिक। चलिए इसको खोजते हैं, उसका क्या नाम है? तो नोमानिक प्रक्षेप। यानी इसमें क्या है? तो यह प्रकाश को केंद्र में रखकर बनाया जाता है, यानी यह सूर्य केंद्रित है, तो नोमानिक प्रक्षेप या त्रिविम प्रक्षेप भी कहेंगे उसको हम लोग। तो नोमानिक प्रक्षेप प्रकाश को ग्लोब के केंद्र में रखकर प्राप्त किया जाता है, और त्रिविम प्रक्षेप प्रकाश के स्रोत को कागज, समतल कागज के ग्लोब से सटे हुए भाग के विपरीत ग्लोब की परिधि में रखकर खींचा जाता है, और उसके विपरीत अनंत दूरी पर रखे प्रकाश के स्रोत द्वारा लंब कोणीय प्रक्षेप खींचा जाता है। यानी कि तीनों के तीनों क्या है? तो प्रकाश से संबंधित है। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर पर चलते हैं। तो चौथे का आंसर क्या होगा? परफेक्ट आंसर, उसका उत्तर होगा नोमानिक प्रक्षेप। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्द में दीजिए। मानचित्र प्रक्षेप के तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो मानचित्र प्रक्षेप है, इसके तत्व कौन कौन से होते हैं? यहाँ देखिए, मानचित्र जो प्रक्षेप है इसका तत्व कौन होगा? तो यह पृथ्वी का छोटा रूप है, यानी पृथ्वी का मॉडल है। दूसरा, अक्षांश के समानांतर होगा, यह बनाएंगे इसमें क्या पृथ्वी बनाएंगे, उसमें अक्षांश भी तो बनाएंगे, तो उसके समानांतर रेखा खींचेंगे। फिर देशांतर को बनाया जाएगा इस तरह से, यानी एक पिक्चर ग्लोब का चित्र बना दीजिए, उस पर देशांतर और अक्षांश रेखा को बना दीजिए और सबके बारे में व्याख्या कीजिए। फिर ग्लोब का जो गुण है इसके बारे में कुछ बना दीजिए, लिखिए कि किसी क्षेत्र के लिए दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, प्रदेश की आकृति कैसी होगी, प्रदेश के आकार या क्षेत्रफल का सही माप इसे मिलता है, प्रदेश के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा के बारे में जानकारी मिलती है। तो 30 शब्द है, ये तो बहुत हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? भूमंडलीय संपत्ति से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीय संपत्ति का से क्या समझते हैं? तीसरा है, कोई भी मानचित्र ग्लोब को सही रूप में नहीं दर्शाता है, क्यों? ये तो आप पढ़कर समझ चुके हैं कि पृथ्वी कैसा है, गोला है, मानचित्र तो हो नहीं सकता है। शंकु मानचित्र है, उसकी भी अपनी खामियां हैं, और जो मर्केटर प्रक्षेप है इसकी भी खामियां हैं। जो बेलनाकार प्रक्षेप है वह बीच के 0 डिग्री में तो बता सकता है लेकिन नॉर्थ और साउथ में उसका प्रॉब्लम हो जाता है। बेलनाकार समप्रक्षेप क्षेत्र प्रक्षेप में क्षेत्र का को समरूप कैसे रखा जा सकता है, इसमें भी फॉल्ट है। तो सब में अपना अपना अंतर है, आप लिख दे सकते हैं। और भूमंडलीय संपत्ति से आप क्या समझते हैं? तो भूमंडलीय संपत्ति मतलब क्या, तो देख लीजिए, भूमंडलीय संपत्ति मतलब क्या? पृथ्वी का जो पृथ्वी है या भूमंडल है, भूमंडल का संपत्ति इसमें क्या क्या है, जो इसका गुण है, जो इसका तत्व है, यही इसका संपत्ति है।
बस इसी को आधार में रखकर आप लिख सकते हो। इसके बाद अंतर स्पष्ट करना है विकासनीय अविकासनीय सम क्षेत्र यथाकृत प्रक्षेप अविलंब एवं त्रियक प्रक्षेप अक्षांश के समानांतर और देशांतर के समानांतर, यह तो पढ़ चुके हैं और किताब में भी फैक्ट इसका मिलता है। तो ये सब अगले वीडियो में, तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।